नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का यूट्यूब चैनल एट्रैक्टिव स्टडी। मैं दिवेंदु, आज इस वीडियो में एक भैया का कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जो फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात जो बाहर का लड़का हमारा जो वेस्ट बंगाल में आके भर्ती हो रहा है, तो वो उसका क्या कारण है, क्यों वो लोग आ रहा है, हमारा जो वेस्ट बंगाल का लड़का वो लोगों को उन लोगों के साथ मारपीट नहीं करना है, लीगल तरीके से लड़ना है, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, उस वीडियो में ये जो भैया है भापन दे उसने कमेंट किया है, तो इस कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा इस वीडियो में। उनको शायद जानकारी नहीं है, जानकारी है मेरे से बड़े होंगे, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे प्रणाम स्वीकार करिए भैया। अब शायद आप मेरे से बड़े होंगे, मैं आपसे छोटा हूँगा, बट मैं आपको एक बताना चाहूँगा भैया, आपने जो कमेंट किया है, पहले मेरे दोस्तों को सुना देता हूँ। आपने कमेंट किया है भाई आप इतना ज्ञान सॉरी भाई अपना आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, ज़रा ये बात बताइए, कोई अगर बिहार का लड़का कोलकाता में स्टडी कर रहा है और उसने बिहार डोमिसाइल से ही अप्लाई किया है और कोलकाता सेंटर चूज़ कर लिया है, तो क्या ये फर्जी है? आप अपनी सुविधा के लिए उसने किया, एसएससी ऐसा ऑप्शन भी देता है ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी सेंटर चूज कीजिए। और वीडियो में वही लड़का बोल रहा है कि हम बिहार से है, वही वो एक बार भी नहीं बोल रहा है हम बंगाल से हैं, उल्टा वो लोग आईबी वाले बता रहा है, पूरा लॉ अपनी हाथ में ले रहा है। अगर वो फर्जी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो होता है फिजिकल का समय में, वहाँ पकड़ा जाएगा। सही बोल रहा है भैया, आप जो कमेंट किया है आप 101% सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब 101% सही है। आपको थोड़ा गलत फैमिली हुआ है। क्या गलत फैमिली हो रहा है आपको मैं दूर कर देता हूँ। आप जो बोल रहे हैं जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से निकलता है और एसएससी फिलअप करता है, इस वैकेंसी को एसएससी कॉन्टैक्ट करता है, तो इस वैकेंसी में आप चूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप फिजिकल सेंटर नहीं चूज़ कर सकते। आप जो रिटर्न एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम का सेंटर है वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी बंगाल का लड़का दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है तो दिल्ली में सेंटर वो ले सकता है एग्ज़ाम के लिए, फिजिकल के लिए नहीं ले सकता है। ठीक है, मान लिया जो CBT एग्ज़ाम वो कलकत्ता में दिया है तो कोलकाता जोन में उसका फिजिकल आया है। ठीक है, मैं ये मान लिया भैया, और मुझे आपको बताऊँगा। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना भैया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडुकेशनल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जैसे 10th का हो गया, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ID प्रूफ मांगा जाता है, फ़ोटो मांगा जाता है, और मेन जो चीज़ है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भैया मांगा जाता है। आप शायद वो वीडियो नहीं देखे भैया, ठीक है, इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हैं। आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, 10th जो आपने किए हैं वो आपका चाहे बिहार बोर्ड से हो चाहे बंगाल बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, मान लिया आप बिहार का कैंडिडेट है तो आपके पास बिहार का ही सर्टिफिकेट है। ठीक है, बट आप ये बता दीजिए मुझे, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं डोमिसाइल, वो सर्टिफिकेट कैसे आपको मिल गया बंगाल का? भाई आप बिहार का कैंडिडेट है, आप मान ली कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास तो बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके पास कैसे बंगाल का डोमिसाइल आ गया ये मुझे बताइए। एक तो देखिए, पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। मान लीजिए डोमिसाइल मिल गया, आप डोमिसाइल कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ, मैं भी डोमिसाइल बहुत बार निकाला हूँ, कैसे मिलता है कैसे प्रोसेस से आपको बता दे रहा हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देता है SDO, SDM, DM, ये हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, लोग अथॉरिटी है। ठीक है, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको गूगल से दिखाता हूँ, मेरे बात पर यकीन नहीं होगा इसलिए मैं गूगल करके रखा हूँ। देखिए, एक कैंडिडेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के लिए 15 साल से ज़्यादा या 15 साल आपको मिनिमम रहना पड़ेगा, किसमें, जिस स्टेट का आप डोमिसाइल निकाल रहे हैं उस स्टेट के लिए। तो आप बताइए, आप कलकत्ता स्टडी करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, या बिजनेस करने आए हैं, नौकरी करने आए हैं, तो आपको 15 साल कैसे मिल गया, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? एक तो आप वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होंगे ना, वेस्ट बंगाल का बाशिंदा जिसको बोलते हैं, वेस्ट बंगाल का होंगे तभी आपको डोमिसाइल मिलेगा, और 15 साल तक रहेंगे तभी आपको डोमिसाइल मिल सकता है वेस्ट बंगाल से। और दूसरा हुआ, आप फर्जी करके बना सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन से कोई भी साइबर कैप से एडिट करके बना लिए फर्जी डॉक्यूमेंट, ऐसे करके बना सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा भैया,
मुझे ये सिर्फ बता दीजिए जो उन लोगों को बिहार का लड़का था वो लोग, ठीक है, तो बिहार का उन लोगों का टेंथ का डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, मान लिया टेंथ का डॉक्यूमेंट होगा, आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड है वो भी बिहार का है मान लिया, बट डोमिसाइल बंगाल का भाई कैसे आ गया मुझे ये बता दीजिए बस, कार्ड ये सिर्फ मुझे आंसर दे दीजिए आप कॉमेंट में जो भाई ऐसे डोमिसाइल उन लोगों को मिला है, वो लोग वेस्ट बंगाल में 15 साल से ज़्यादा रह चुका है या वेस्ट बंगाल में फर्जी डॉक्यूमेंट बना है, ये मुझे बस बता दीजिए। मुझे आपसे यही उम्मीद है, आप बड़े हैं हम आपसे हमसे, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा कुछ गलत शब्द यूज़ किया या गलत कुछ बोला हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, बट आपको जानकारी के लिए बता दिया जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के लिए 15 साल तक रहना पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और दूसरा हो गया वो जो लड़का है उसके पास डोमिसाइल कैसे आया, ये मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए।